महाराष्ट्र की शिवसेना की करते हैं। शिवसेना का मुस्लिम विरोध का इतिहास रहा है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अलग तस्वीर नजर आ रही है। विभाजन 2022 में शिवसेना का हुआ था, दो भागों में बटी, और अब चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों को लुभाने में दोनों जुटी हुई है, क्योंकि कई सीटों पर जो मुस्लिम वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखिए। महिलाओं को बुर्का बांटती एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की विधायक यामिनी जाधव, शायद इसके पीछे की वजह है लोकसभा चुनाव में उनकी हार। यामिनी जाधव दक्षिण मुंबई से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के उम्मीदवार अरविंद सावंत से हार गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भाईकला विधानसभा क्षेत्र से यामिनी जाधव को करीब 40,000 वोट मिले, जबकि अरविंद सावंत को 86,000 वोट मिले। 12 दिन की जो मुझे कैंपेनिंग का टाइम मिला था, उसमें मैं 3,42,000 से भी ऊपर गई हूँ। तो 12 दिन के मेहनत में अगर इतना तक पहुँचना, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। हारना जीतना ये दूसरी चीज़ है, कोई गम नहीं है हारने का। ठाकरे वाली शिवसेना भी मुस्लिम बिरादरी के साथ अपने नए नवेले रिश्ते को पुख्ता करने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारने का वादा ठाकरे वाली शिवसेना कर रही है। शब्बीर भाई जैसे नेता हमारी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शिवसेना ये हिंदुत्ववादी पार्टी जरूर है, लेकिन वो मुस्लिमों से द्वेष नहीं करती, और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम मुसलमानों को भी टिकट देने में गुरेज नहीं करेंगे। भले ही बीते कई दशकों से शिवसेना का इतिहास मुस्लिम विरोधी रहा हो, फिर चाहे मुंबई के दंगों के बाद शिवसैनिकों पर मुसलमानों पर हमला करने के आरोप लगे हो, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी की कमान अपने हाथों में ली, तब से कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति शिवसेना का रुख थोड़ा नरम हुआ है। और ख़ास तौर से 2019 के बाद से, जब शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस और एनसीपी जैसी सेकुलरवादी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया, तब से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। ठाकरे की शिवसेना ने भले ही अपने रवैये में कुछ बदलाव किया हो, लेकिन वो अब भी खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी बताती है। दूसरी तरफ मुसलमानों का साथ पाने के लिए शिंदे की कोशिश पर महाविकास आघाड़ी ने तंज कसा है। भारत में सभी को रहने का अधिकार है, और भारत में धर्म का स्वातंत्र्य है। मुझे लगता है अब उनका भी भरोसा उस पर बैठ गया है। जो कभी एक बार बोलते थे कि बुर्का हटा ही डालो, वो आज बुर्का बांट रहे हैं, तो उनका असली चेहरा दिखने लगा है, नकाब उतर गया। मुस्लिम वोटों पर नजर तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की भी दिख रही है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर वो भी मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश में है। एमएनएस के एक नेता करीब 1,000 मुसलमानों को लेकर अजमेर शरीफ की यात्रा पर निकले हैं। मुंबई में विधानसभा की कुछ 36 सीटें आती है, उनमें से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं, और शायद यही वजह है कि सभी पार्टियां मुस्लिमों का साथ चाहती है, और इसीलिए अपनी मुस्लिम विरोधी छवि से दूर हटकर आगे बढ़कर कहीं ना कहीं ये पार्टियां मुस्लिमों को अपने साथ लेना चाहती है। कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।